Please subscribe for more information and continue watching. Please subscribe channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पावर स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है आपकी, ध्यान से देखिए, लुफ्त उठाइए, फ्रंट हेडलाइट है आपकी पैशन प्रो BS6 का। ये हीरो कंपनी की पैशन प्रो गाड़ी है। आज इसके बारे में आपको पूरा का पूरा रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। बहुत बेहतरीन देखिए, फ्रंट लुक भी काफ़ी बेहतरीन स्पोर्टी तरीके से किया है पैशन प्रो, क्या तरीके से पैशन लिखा है, कमाल है। मतलब दिखने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गाड़ी ने। फ्रंट में डिस्क है आपकी, काफ़ी बेहतरीन डिस्क है ये भी गाड़ी के अंदर। ये i3S गाड़ी है, यानी कि ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक और क्लच से कनेक्टेड होते हैं इनके इंजन स्टार्ट वगैरह से। और लुक में मानना पड़ेगा, लुक FI इंजन है, जैसे कि लिखा हुआ है, लोगो चिपका रखा है FI इंजन। ये इंजन की तरफ देखते हैं, देखिए चौक है और ये फ्यूल इंजेक्टर का सिस्टम है इधर की तरफ, और ये पंप मोटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ये हीरो का इंजन है 110cc का, और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके की ये गाड़ी बनाई है हीरो ने। लुक के बारे में की जाए तो लुक के बारे में तो हाँ, काफ़ी अच्छी दिख रही है गाड़ी। शॉकर को थोड़ा बहुत अच्छा किया गया है, थोड़ा सा और भी कंफर्टेबल बनाया गया है, लुक थोड़ा चेंज किया है। ये दिख ही रहा है आपको, काफ़ी बेहतरीन लुक बनाया है पैशन प्रो का इन्होंने। काफ़ी खर्च किया है पैशन प्रो के लिए इन्होंने, मानना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हीरो की तारीफ तो करनी बनती है। गाड़ी का रेट भी लेकिन बहुत महंगा है इस चक्कर में। और ये देखिए, सीट की गहराई से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ बना के। इस पर नंबर लिखा हुआ है, लॉट नंबर, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ चौक से। ये देखिए, अब धीरे धीरे टैंक की तरफ आ रहे हैं। मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से जूम करके आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। सजेशन वगैरह लिखा हुआ, हेलमेट पहनिए, फ्यूल टैंक वगैरह, गियर वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओपन लिड वाला फ्यूल टैंक है, हीरो की गाड़ी है। ये मीटर देख लीजिए आपका, सेमी डिजिटल मीटर है, एनालॉग स्पीड वाला एनालॉग है, किलोमीटर और फ्यूल टैंक का उधर से है। नॉर्मल साइड में डिस्प्ले में मालवेयर इंडिकेटर भी है, i3S के लिए बल्ब भी लगा रखा अलग से। चाबी इसकी अभी प्रोवाइडेड नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है खास। और बाकी आप लुफ्त उठा रहे हैं इस गाड़ी का, ये भी बेहतरीन गाड़ी है अपने आप में। ये साड़ी गार्ड लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, देख रहे हैं जैसे कि आप, ये कंपनी से लग के आती हैं CC साड़ी गार्ड, टूल किट फर्स्ट एड वगैरह कंपनी से ही आते हैं। और लगभग काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसकी माइलेज भी थोड़ी इंप्रूव की है, 55 से 60 आपको, नहीं 60 से 65 भी मिल जाएगी माइलेज, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जल्द मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा, तो इसलिए चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए आप लोग। और i3S टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बी ब्रेक का इसमें कुछ दिखाया नहीं है कि इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है या नहीं है, तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। बाकी इंजन की तरफ देखिए, इंजन इस बार उन्होंने खड़ा इंजन कर दिया है गाड़ी के अंदर, तो थोड़ी मेहनत की है इंजन की, पता नहीं किसी से ख़रीदा होगा क्योंकि इनके पास कॉपीराइट तो है नहीं शायद खुद का, मेरे ख्याल से, मुझे इस चीज़ का अनुमान नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट में पीछे मत पड़ जाना कि हाँ आपने गलत बोल दिया, जिस चीज़ का आइडिया नहीं है उस चीज़ के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी का रिव्यू हो गया, अब इसके जल्दी से कलर्स के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका ब्लू पे ब्लैक कलर है पैशन प्रो का, काफ़ी बेहतरीन बुलेट ब्लू है, एकदम गोली की तरह कातिल एकदम। मैं बिल्कुल फैक्ट्री में ही खड़ा हूँ इसकी, कंपनी की एकदम नई नवेली गाड़ी दिख रही है आपको जैसे कि है। ये बाइक है ब्लू कलर के अंदर, और थोड़ी गंदी भी हो रही है, मैं गोडाउन के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ डायरेक्ट आपको लाइव दिखाने। थोड़ी बारिश वारिश हुई है अभी लगता है हाल ही में, इस वजह से थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी पड़ी गाड़ी के अंदर। तो चिंता मत कीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए आपका भाई लेटेस्ट वीडियोज़ लाते रहता है। जिनको ये वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, और कमेंट्स में थोड़ी तारीफ़ कीजिए भाई की, और अच्छा मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नई वीडियो कमाल के लाते रहूँगा। ये देखिए ब्लैक कलर है, फुल ब्लैक, वाइट से पैशन लिखा हुआ, काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल A to Z नॉलेज। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।